आठों प्रकार के प्राणायाम का अभ्यास की शुरुआत हम करेंगे। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण कर लें पवित्र ध्वनि का और अपने भीतर के सारे अपवित्र भावनाओं को दूर कर दीजिए। तो आइए आंख बंद करिए, सांस भरिए। अब आप खोल लीजिए। सबसे पहले हम कल भी आपको बताए थे भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, दो तरह के हम प्राणायाम कल बताए थे, लेकिन आज उसकी विधि पूर्वक अभ्यास सावधानियों के साथ हम करेंगे। सीधे बैठ जाइए और कभी भी पवित्र कार्यक्रम में आइए तो आपका ध्यान दूसरे जगह थोड़ी देर के लिए भी ना जाए, न खेती पर, न गाय पर, न भैंस पर, न बाल बे, न बच्चा पर, न माँ पे पिता, कहीं मत ले जाइए। अभी जहाँ शरीर है वहीं पे आपको मन को भी केंद्रित करके रखिए, रोक के रखिए, तभी जा करके लाभ मिलने वाला है। ये कोई साधारण घटना नहीं है कि जो हम लोग मानव जीवन को प्राप्त किए हैं। तो आइए इस असाधारण घटना को ऐतिहासिक बना रहे हैं प्राणायाम के साथ जुड़ करके। तो पहला प्राणायाम बताएंगे भस्त्रिका प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम? इसमें कितने सेकंड तक सांस लेना है? 5 सेकंड। बहुत बढ़िया। कितने सेकंड तक छोड़ेंगे? 5 सेकंड। और कितने मिनट तक करेंगे? 5 मिनट तक। बहुत अच्छा। तो इसमें जब सांस भरेंगे तो आंख बंद रहेगा कि खुला? बंद रखेंगे। और आंख जब बंद रखेंगे तो ध्यान कहाँ पर रहेगा? सांसों पर रहेगा। सांस कैसे अंदर जा रहा है, सांस कैसे बाहर निकल रहा है। तो आइए एक बार हम करके केवल दिखाते हैं और आपसे 2 मिनट तक इसका अभ्यास करवाएंगे। सीधे बैठिए सभी आप लोग। किसी का रीढ़ की हड्डी झुका हुआ नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा बैठेगा। धीरे धीरे सांस भरिए 5 सेकंड तक। अब सभी आंख बंद कर लीजिए। कोई बीच में 2 मिनट तक आंख नहीं खोलेगा। और धीरे धीरे प्राणवायु को भरिए और छोड़िए। अब मिलकर अभ्यास करते हैं। धीरे धीरे प्राणवायु को भरते जाइए और छोड़ते जाइए। पेट में हवा नहीं ले जाएंगे, केवल आपका डायफ्राम फूल रहा है, डायफ्राम आपका सिकुड़ रहा है सांसों के द्वारा। अब इसी अभ्यास को तीव्र गति से करिए। Thank you.
आंख बंद कर लीजिए और तीव्र गति से भरिए। आ जाएगा देखिए यहाँ से कहीं से आ रहा है ना, उतर कर यहाँ से बढ़ते जाएंगे तो में चलते जाएंगे ना, फिर इस रूम में बीच वाला में बैक में ऐसे चले जाए। इतनी ताकत है उस ताकत को झोंक दीजिए सांस को लेने छोड़ने में। जो हंसेगा उसको भगा दिया जाएगा। अब रोक दीजिए, अब धीरे धीरे आँख को खोल दीजिए। अभी हम लोग क्या भर रहे थे? सांस भर रहे थे। और सांस भरने से हम लोग जिंदा रहते हैं कि मर जाते हैं?